हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का जो क्लास होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम लोग देखेंगे DELED से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और उसका पूरा यहाँ पर निचोड़ हम लोग करने वाले हैं। आज टेस्ट नंबर आपका है 61, यहाँ पर टोटल 75 प्रश्न हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं और हर एक प्रश्न को यहाँ पर हम लोग डिस्कशन भी करते चलेंगे। तो सभी लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और स्किप नहीं करना है, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखिएगा तब तक आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। और हम लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं और जो लोग अभी भी हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, क्योंकि अब जो आपका एग्ज़ाम का डेट है वो बढ़ चुका है, 28 जुलाई हो गया है और अभी आपके पास लगभग 1 से 1.5 महीने का समय है, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं हमसे जुड़ करके। और यहाँ पर लगभग आपकी पूरी तैयारी करवाई जा रही है, पूरी तैयारी आपको यहाँ पर DELED सामान्य अध्ययन, रीजनिंग, आपको करेंट अफेयर सारा आपको करवा दिया गया है, तो यहाँ पर आप जुड़ करके हमसे तैयारी कर सकते हैं। डेली जो आपकी क्लास होती है दोस्तों रात में 9 बजे से होती है और ये नंबर जो दिख रहा है आपको 7857824310, ये हमारे WhatsApp ग्रुप का नंबर है और इसमें जुड़ करके आप हमारे PDF प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसको PDF लेने के लिए आपको सिर्फ एक बार 351 का पेमेंट करना है और उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आपको PDF, वीडियो नोट्स इत्यादि सभी चीज़ ग्रुप में मिलता रहेगा। आपको पेमेंट करना है फ़ोनपे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फिर पेटीएम के माध्यम से या फिर और भी किसी माध्यम से आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, अमेजन पे, है ना। इस नंबर पे पेमेंट करके आपको हमारे इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम का ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। आपकी एग्ज़ाम का जो डेट है वो आपका बढ़ चुका है, एग्ज़ाम जो अब होगा वो 28 जुलाई को होगा, तो आपके पास अब समय है, काफ़ी पर्याप्त समय है, इतना में आप तैयारी आराम से कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न है न पहला कि निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है माध्यम, पुनर्बलन, प्रतिपुष्टि या फिर अंतःक्रिया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों पुनर्बलन। पुनर्बलन जो होता है यह संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। शिक्षण साधन संप्रेषण प्रक्रिया में विभिन्न तत्वों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि उसमें माध्यम का प्रयोग करते हैं, प्रतिपुष्टि का प्रयोग करते हैं, अंतःक्रिया करते हुए अध्यापक जो है अपने विद्यार्थियों के साथ उचित संप्रेषण तथा कक्षा कक्ष में अच्छी तरह अंतःक्रिया करते हुए निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों की प्रभावपूर्ण उपलब्धि में भलीभांति सहायता करता है। लेकिन इसका जो तत्व नहीं है वो पुनर्बलन इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। सभी लोग अपना अपना कमेंट जो है लाइव जो चैट चल रहा है उसमें आप लोग कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे लोग का गलत भी जवाब है, है ना। कोई बात नहीं है, है ना, गलत होने के बाद ही एक दिन सही होगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो देखिए, नहीं वाला प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा यहाँ पर जो कथन है वो सत्य नहीं है। सॉरी, यहाँ पर बार बार शटर नीचे गिर रहा है, है ना। ये सत्य आपको पूछा गया कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिया गया है कि सीखना जो है वो व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, बी है कि शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, या विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, या वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो कौन सा इसमें से सत्य नहीं है दोस्तों, बताइए। देखिए, इसका जो सी नंबर ऑप्शन दिया गया है ना, यानी कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये बिल्कुल ही रॉन्ग बात है। विकास जो है एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है, है ना। विकास क्या होता है, ये जीवन भर चलते रहता है, जब से बच्चे का जन्म होता है उस समय से लेकर के माँ के गर्भ से ही लेकर के जब तक उसकी मतलब कि प्रौढ़ावस्था के बाद जब वृद्धावस्था हो जाता है, उसकी मृत्यु न हो जाए, तब तक उसमें क्या होते रहता है, कुछ ना कुछ विकास होते रहता है, जीवन पर्यंत आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये मात्रात्मक जो प्रक्रिया दिया गया है विकास, ये बिल्कुल ही गलत बातें दी गई है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, सभी लोगों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, है ना। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आपका, थर्ड नंबर। तीन नंबर प्रश्न है कि ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ आपको यहाँ पर पता चल रहा है, एक तो ब्रूनर का प्रतिबिंबात्मक अवस्था
और एक पियाजे का संज्ञानात्मक अवस्था। पियाजे का जो संज्ञानात्मक अवस्था है ना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ सकता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाओं का भी यहाँ पर वर्णन किया है। चारों अवस्थाएं आपको बहुत बार हम बता चुके हैं, आज फिर मैं इसको बता दूंगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि इस अवस्था में कौन सा मिलता जुलता अवस्था है। ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, शंभिगात्मक गामक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे का जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ना, इसकी उम्र कितनी, सीमा कितनी होती है, तो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक इसकी उम्र सीमा होती है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था बताया है, और चारों अवस्था आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चारों अवस्था आपको बार बार पूछा जाता है। पहली अवस्था को इन्होंने क्या बताया था दोस्तों, पहली अवस्था को बताया था कि संवेदी पेशीय अवस्था, है ना। पहली अवस्था को क्या कहते हैं, संवेदी पेशीय, जिसकी उम्र सीमा है 0 से 2 वर्ष, नोट कर लीजिएगा। दूसरी अवस्था को बताया गया था पूर्व संक्रियात्मक, है ना। ये जो पूर्व संक्रियात्मक दिख रहा है, ये था आपका दूसरी अवस्था, किसका, तो पियाजे के संज्ञानात्मक अवस्था में इसकी जो उम्र सीमा थी वो आपका हो जाएगा 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। दूसरा हो जाएगा 2 से लेकर के 7 वर्ष, और तीसरा जो बताया गया था पियाजे जी के द्वारा, वो था आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो समय था, जो उम्र सीमा था, वो था 7 से लेकर के 11 वर्ष, और कहीं कहीं 12 वर्ष भी आपको दिखा जाएगा, है ना। तो 7 से 11 वर्ष था आपका आपको मूर्त संक्रियात्मक, और जो एक था आपका वो था आपका अमूर्त संक्रियात्मक, है ना। एक था अमूर्त संक्रियात्मक, तो अमूर्त, एक मिनट देखिए, यहाँ पर मैं दूसरा थोड़ा सा लगता है गलत बता दिया था ना। यहाँ पर देखिए, पहला तो आपको बताया आपको संवेदी पेशीय जो 0 से 2 है, और दूसरा जो था वो पूर्व था, है ना। सॉरी, ये मैं देखो थोड़ा सा गलत बता दिया था। दूसरा जो था वो पूर्व संक्रियात्मक था, ये था आपको 2 से 7 वर्ष, और तीसरा था दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक, जो 7 से लेकर के 11 था, और चौथा जो था वो था आपका अमूर्त संक्रियात्मक, जिसकी जो उम्र सीमा है वो 12 से लेकर के 15 वर्ष तक है, ठीक है। ये चारों को याद रखिएगा, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा हो गया था, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये चारों अवस्था जो है पियाजे का, ये पूछा जाता है आपको एग्जाम में। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, है ना। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था। जी हाँ, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं। जी हाँ, जिसमें जो व्यक्ति है असंगत सूचना पर ध्यान नहीं देता है, उसको क्या कहा जाता है। आयोजन कहते हैं, उद्भवन कहते हैं, प्रबोधन कहते हैं, या फिर अनुवादन कहते हैं। 4 का आंसर हो जाएगा आपका उद्भवन, उसको कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, उद्भवन कहते हैं। यानी कि सृजनात्मक जो समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, उसको उद्भवन कहा जाता है, यानी कि इनक्यूबेशन उसको कहते हैं, है ना। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। जी हाँ, सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जाता है, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए, तो सृजनात्मक चिंतन के बारे में कह रहा है, तो सृजनात्मक चिंतन को दोस्तों सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित करने वाला जो प्रश्न होगा वो कौन सा होगा, तो इसे कितने भिन्न तरीके से हल किया जाए, है ना। यानी कि इसे कितने भिन्न तरीके से हल किया जाए, ये होता है सृजनात्मक चिंतन। इसी को क्या कहते हैं, सृजनात्मक चिंतन, है ना। सृजनात्मक चिंतन में होता है ना कि बच्चे में कुछ नया करने की, मतलब कि जुनून होता है, ठीक है, कुछ आविष्कार करने का जुनून होता है, समस्या का समाधान नए तरीके से वो करते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सृजनात्मक चिंतन, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक 4-5 वर्ष के बालक, जी हाँ, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। जी हाँ, पिता की अपेक्षा माता के प्रति अधिक लगाव होता है, प्रेम की भावना होता है, और बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया। जी हाँ, तो फ्रायड महोदय के द्वारा इसको क्या कहा गया है। ऑप्शन है पराहम,
इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स या फिर ओडिपस कॉम्प्लेक्स या फिर नार्सिसिज्म। देखिए ये क्वेश्चन इस प्रकार का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको कहा जाता है आपको ओडिपस कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? ओडिपस कॉम्प्लेक्स, यानी कि आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, यानी कि एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है और बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को सिगमंड फ्रायड द्वारा ओडिपस कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, है ना, सिगमंड फ्रायड के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं हम, प्रश्न नंबर है आपका 7 नंबर। बहुत सारे जिलों में अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, इसी वजह से बहुत कम लोग जुड़ पा रहे हैं, है ना। जैसे ही वहाँ पर आज मध्य रात्रि से सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर सब सही हो जाएगा, तो कल से सभी लोग जुड़िएगा, है ना। और जो भी जिनका जिनका छूट गया है पीछे क्लास, तो वो जरूर से जरूर क्लास कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम 7 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है। अगर देखिए कोई व्यक्ति है जो स्कूटर चलाना जानता है, है ना, अब वो क्या सीख रहा है, अब उसके पास ज़्यादा पैसा आ गया तो वो कार खरीद लिया है भाई, अब कार चलाना सीख रहा है, तो पूर्व अनुभव उसमें क्या हो रहा है, सहायक हो रहा है, सहायता हो रहा है, तो ये किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो इस प्रकार क्यों कहा जाता है दोस्तों, ऊर्ध्व अंतरण, है ना, ऊर्ध्व अंतरण इसको कहा जाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, आंसर नंबर इसको सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा, लाइव जो चैट चल रहा है उसमें आप लोग कमेंट करते चलिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर की, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। जी हाँ, कौन सा वो शिक्षण विधि है जो प्रजातांत्रिक नहीं है, बताइए कौन सा वो शिक्षण विधि है जो प्रजातांत्रिक नहीं है, क्या होगा दोस्तों, तो उसका आंसर क्या, ओहो, उसका आंसर क्या होगा बताइए, तो कौन सा प्रजातांत्रिक नहीं। ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि, सामूहिक परिचर्चा विधि, व्याख्यान विधि या फिर सहभागी विधि। 8 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी नंबर, यानी कि व्याख्यान विधि। ठीक है, व्याख्यान विधि जो होता है ये प्रजातांत्रिक नहीं होता है, लेकिन जो प्रोजेक्ट विधि होता है ना, प्रोजेक्ट विधि सामूहिक परिचर्चा सहभागी विधि होता है ना, और लेकिन जो व्याख्यान विधि होता है ये प्रजातांत्रिक नहीं होता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 9वें नंबर प्रश्न पे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वो शिक्षण है, शिक्षण का स्तर नहीं है। अच्छा, वो कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है परावर्ती स्तर, अवबोध स्तर, स्मृति स्तर या फिर अभिप्रेरणा स्तर। देखिए वीडियो को अच्छा लग रहा हो ना, है ना, तो थोड़ा सा आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा उस चैनल पर। अगर नए हैं, है ना, अगर नए आप आ गए हैं, टपक गए हैं, है ना, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारे यहाँ डेली 9 बजे क्लास होती है, ठीक है, और पूरी तैयारी आप लोग को करवाई जा रही है हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो बताइए कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर यहाँ पर नहीं है, तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अभिप्रेरण स्तर, है ना। यहाँ पर परावर्ती स्तर भी एक शिक्षण का स्तर है, अवबोध स्तर भी है, स्मृति स्तर भी है, लेकिन जो अभिप्रेरण स्तर है ये कोई शिक्षण का स्तर नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न कह रहा है कि अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन के बीच संगति है, यानी कि अधिगम प्रक्रिया जो है ये उद्दीपन किसके बीच संगति है। आप यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स में आपको यहाँ पर भरना है, तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए। देखिए अधिगम प्रक्रिया जो है ये उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच संगति है, ठीक है, उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच ये संगति है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 11। 11 नंबर कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की, जी हाँ वाइगोत्स्की महोदय आ गए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। जी हाँ, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि सामाजिक पारस्परिक प्रक्रिया के द्वारा उसको बदला जा सकता है। यानी कि लियो वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए
वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है ये वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को ही कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। विकास एवं अधिगम के बीच जो संबंध है उसको सही प्रकार से कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सूचित कर रहा है। तो ऑप्शन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। देखिए 12 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि विकास एक व्यापक शब्द है ना। विकास क्या है? तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, है ना। माँ के गर्भ से लेकर के जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है ना, उसके तब तक ये विकास का जो निरंतर प्रक्रिया है ये चलते रहता है। यानी कि विकास एवं अधिगम जो है दोस्तों ये अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, विकास क्या है? तो एक विकास एक व्यापक शब्द है जिसमें समृद्धि, परिपक्वता, सीखने समझने की क्षमता तथा उसमें अंतर सभी चीज़ इसमें क्या होता है, अंतर्निहित होता है। बच्चों के विकास के साथ साथ इसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास भी होते रहता है। किंतु इसके विपरीत यदि बच्चों का विकास संतुलित तरीके से अगर नहीं होता है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास एक दूसरे से प्रभावित होता है ना। दोनों संतुलित रूप से होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 13 नंबर। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न है और इसको हम पूरा थोड़ा सा अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ है ना, ताकि आप लोग को अच्छे से दिमाग में ये सेट हो जाए। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर थोड़ा सा वीडियो छोटा कीजिए। देखिए छोटा करेंगे तो फिर मैं क्वेश्चन आंसर कर दूंगा तो ये 10 मिनट में खत्म हो जाएगा है ना। तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर रट लीजिएगा, दो दिन के बाद भूल जाइएगा, लेकिन एक बार समझ लीजिएगा ना तो वो आपको 2-4 महीना 10 महीना 2-4 साल तक 10 साल तक याद रहेगा है ना। तो इसको समझना है थोड़ा सा। प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार, जी हाँ पियाजे महोदय आ गए, पियाजे के अनुसार कह रहा है कि विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं से ही अर्थ निकालने की व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। जी हाँ, ये पियाजे महोदय के अनुसार पूछा गया है, यानी कि विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं यानी कि अनुभव से सही अर्थ निकालने की व्यवस्थित तरीका है ना, इसी को क्या कहते हैं, अनुभव से सही अर्थ निकालने की व्यवस्थित तरीका को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है, आंसर हो जाएगा स्कीमा है ना, इसको कहते हैं स्कीमा यानी कि पियाजे के अनुसार, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है आपका 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। बताइए क्या होगा आपका आंसर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ये लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, 14 का आंसर ए। सभी लोग अपना अपना कमेंट जरूर से करते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए मैं कमेंट इसलिए करने कहता हूँ ना ताकि कमेंट करने से थोड़ा सा आप लोग को याद हो जाएगा, थोड़ा सा आप लोग को समझ में आएगा अच्छा इसका ये होगा, अगर गलत हो जाता है तो फिर ध्यान जाएगा अच्छा मैंने गलती क्यों किया है ना, उस पर थोड़ा सा आप लोग को ध्यान जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए है ना। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो कोहलबर्ग ने दिया था और उसी का यहाँ पर कुछ दिया गया है दोस्तों, कथन दिया गया है, इसको आप पढ़िए उसके बाद यहाँ पर आंसर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौतों पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। अब बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। 15 का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यानी कि आंसर नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए कोहलबर्ग के सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास का अवस्था में जो बच्चे हैं वो दूसरे के विचारों तथा नैतिक प्रतिद्वंद्वों से स्वतंत्र होकर के
आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करते हैं और इसके अंतर्गत अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौतों पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए ये वैध होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं आपका 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीन पियाजे, जी हाँ देखिए जितने प्रश्न हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप इम्पॉर्टेंट ही मानिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। प्रश्न कह रहा है कि जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। जी हाँ बताइए किस रूप में देखते हैं, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए, यानी कि सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम प्रक्रिया को सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। और इन दोनों का मानना है कि जो आयु की विभिन्न अवस्थाओं में प्रत्येक विनियोजनों के माध्यम से एक तार्किक परिणाम पर पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है, जी हाँ अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसका सही विवेचना क्या है। जी हाँ अगर इस प्रकार का किया जा रहा है तो यहाँ पर ये तो ठीक नहीं है, है ना, दोनों को हमें समान रूप से देखना है ना, चाहे लड़की हो या फिर लड़का हो, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, 17 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का उदाहरण है दोस्तों, है ना, यहाँ पर किसी को भी हम ज़्यादा मतलब कि यहाँ वैल्यू नहीं देना है, दोनों को हमको समान रूप से लेकर के चलना है, यानी कि शिक्षण अधिगम में इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी नंबर, यानी कि अगर इस प्रकार का होता है शिक्षक जो है वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसका सही विवेचना यही है कि यह लिंग पक्षपात का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, ठीक है। अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक का लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अत्यधिक पारस्परिक क्रिया करना शिक्षण में लिंग पक्षपात को व्यक्त करता है, अनेक शोध अध्ययनों से यह पता चला है ना, पता यह पाया गया है कि शिक्षक जो है वो लड़कियों की तुलना में लड़कों से पारस्परिक क्रिया करने में अधिक सहज अनुभव करते हैं तथा ऐसी क्रिया होने के प्रमुख कारण पारस्परिक सामाजिक अवधारणा को माना जाता है, ठीक है। अगर कारण भी पूछ लिया जाए तो प्रमुख कारण यही है कि इस पारस्परिक सामाजिक अवधारणा जो है उसके वजह से ऐसा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। जी हाँ बताइए कौन सा यहाँ पर विकास का सिद्धांत नहीं है, 18 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी कि विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, है ना, क्योंकि जो विकास है ना वो जीवन भर चलते रहता है, विकास जो है निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें समृद्धि है प्रगति है सकारात्मक नकारात्मक व्यवहारों के रूप में परिवर्तित होते रहता है, यद्यपि विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है परंतु यह तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है एवं समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। अतः यह कहना कि विकास की जो गति है एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाता है ये बात बिल्कुल ही सत्य नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है और यही गलत आपको पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में सही है। बताइए कि अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। 19 का हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, यानी कि पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी, यानी कि आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखिए पठन अक्षमता अधिगमकर्ता से तात्पर्य ये है कि धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी या अभाव से है। शिक्षा में बालकों या फिर अधिगमकर्ता की पठन अक्षमता अधिगम भिन्नता को संदर्भित करता है। ऐसे अधिगमकर्ता सामान्य बालकों की अपेक्षा बोलने पढ़ने या लिखने में क्या होते हैं तो असक्षम होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दृश्य रूप से बाधित, है ना, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने
चाहिए। दृश्य रूप से बच्चा क्या है तो बाधित है, यानी कि बच्चा क्या है तो या फिर वो आंशिक रूप से मतलब कि वो अंधा है या फिर पूर्ण रूप से अंधा है। तो ऐसे बालकों के साथ एक शिक्षक को किस प्रकार से अनुदेशन अनुकूलन करना चाहिए, तो 20 का आंसर हो जाएगा 2 बी नंबर दोस्तों, यानी कि स्पष्ट रूप से बोलना। एक तो शिक्षक को स्पष्ट रूप से बोलना है ताकि बच्चे कम से कम सुन सके, क्योंकि वो देख तो सकते नहीं है, है ना। या फिर छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग करें ताकि बच्चे उससे छू करके उससे अनुभव करके समझ सके, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21 प्रश्न कह रहा है, प्रश्न है कि बहुबौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करता है। जी हाँ, बहुबौद्धिकता का प्रत्यय क्या इंगित करता है, 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर। यानी कि बहुबौद्धिकता का मतलब क्या होता है, बहुबौद्धिकता का प्रत्यय यही इंगित करता है कि गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि की प्रशंसा करनी चाहिए, है ना। ज़्यादा जो मतलब ध्यान दिया जाता है कि गणित पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है ना, इससे अतिरिक्त भी जो भी सब्जेक्ट है उस पर भी थोड़ा सा बच्चे को ध्यान देना चाहिए, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि बहुबौद्धिकता का प्रत्यय यही इंगित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर, थोड़ा सा इसको छोटा कर दो ताकि आपको सारा ऑप्शन दिख सके, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर, कह रहा है कि सही कथन का यहां पर चयन करना है आपको। कथन दिया गया है, ये तो चारों ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके पास 10 सेकंड समय है, आप लोग इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए, है ना। आप लोग ऑप्शन पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। देखिए 22 नंबर जो प्रश्न है इसमें आपको कथन चुन करके आपको जवाब देना है। इसमें जो राइट जो कथन है वो कथन नंबर आपका बी हो जाएगा। बी नंबर कथन कह रहा है कि अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए, है ना, किंतु उसकी योग्यताओं और उनके स्तर के अनुरूप विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं को दृढ़तापूर्वक संचारित करना चाहिए। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। देखिए इसमें चारों ऑप्शन आपको लगेगा ना कि सही है, ए भी लगेगा सही है, बी भी लगेगा सही है, और डी तो और भी ज़्यादा लगेगा सही है, लेकिन जो मेन आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्न नंबर आपका 23। प्रश्न है कि बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण क्या है। जी हाँ, बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण क्या है, तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि कक्षा कक्षों का उच्च रूप में अनम्य होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार से होना, यानी कक्षा कक्ष में जो है ना उच्च रूप से वहाँ पर अनम्य है, मतलब कि वहाँ उस प्रकार से वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था मतलब सही तरीके से नहीं हो रहा है, और इसके कारण वो मतलब कि इस प्रकार से हो रहा है ना। आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण मेन यही है, तो आंसर हो जाएगा 23 का आंसर नंबर ए। अगला चलते हैं आपका 24 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है, छात्रों का भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है सामाजिक परिस्थिति, यह कथन किसका है। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए कि ये कथन किसका है, तो ये जो कथन है ये आंसर हो जाएगा आपका वाइगोत्स्की महोदय का, है ना। वाइगोत्स्की के ये कथन है, यानी कि छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य कौन सा है, तो वो है सामाजिक परिस्थिति, और ये कथन वाइगोत्स्की महोदय का है, तो याद रखिएगा। अगला है आपका 25 नंबर, कह रहा है कि मूल रूप से अध्यापक के व्यवसायिक चरित्र का उल्लेख है। जी हाँ, अध्यापक के व्यवसायिक चरित्र का उल्लेख किस में है दोस्तों, तो 25 का हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि व्यवसायिक नीति शास्त्र में, है ना, व्यवसायिक चरित्र पूछ रहा है, तो व्यवसायिक नीति शास्त्र हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मूल रूप से अध्यापक के व्यवसायिक चरित्र का उल्लेख व्यवसायिक नीति शास्त्र के अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर, 26 प्रश्न कह रहा है कि दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। माना दो बच्चा है और एक अवतरण को पढ़ रहा है फिर भी उसका भिन्न भिन्न अर्थ लगाता है, तो आखिर ऐसा क्या है, इसमें से क्या सत्य है। चार ऑप्शन दिया गया और बताइए इसका,
तो इसमें जो होता है वो है कि ये संभव है, क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण का अलग अलग अर्थ लगाते हैं, जैसे कि संस्कृति के अंतर, समझ के स्तर में अंतर या अन्य कारण, तो यह भिन्न विधियों से प्रभावित हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। 27 है कि कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। जी हाँ, बच्चों कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना ये क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों, यानी कि शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है आपका, ठीक है। यानी कि कक्षा में पहुंचने वाली भोली अवधारणा या विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान अभिरुचि जान करके शिक्षक को प्रभावी बनाया जा सकता है। यानी कि आप बच्चे के बारे में अगर पहले के बारे में जान सकते हैं कि बच्चे क्या क्या पढ़े लिखे हैं, है ना, उनको क्या अनुभव है, अभिरुचि क्या है, है ना, किस चीज़ में उसको रुचि है, तो मतलब कि ये शिक्षक में क्या होगा, शिक्षण में क्या होगा, तो ये मतलब कि सहायक होगा, है ना। साथ ही इसे विद्यार्थियों की समझ तथा ज्ञान स्तर का पता चल जाता है और साथ ही प्रभावी शिक्षण की योजना बनाने में सहायता होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब देखते हैं आपका 28 नंबर। प्रश्न कह रहा है आपको सार्थक अधिगम। जी हाँ, सार्थक अधिगम क्या है दोस्तों? तो आप ऑप्शन देखिए, इसका जवाब दीजिए। सार्थक अधिगम मतलब कि अपने निजी अनुभव द्वारा, है ना, सार्थक अधिगम का मतलब होता है अपने निजी अनुभव के द्वारा ज्ञान की संरचनात्मक सक्रियता का निर्माण सार्थक अधिगम कहलाता है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर, यानी कि निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करना, उसी को कहते हैं सार्थक अधिगम। अगला है आपका 29 नंबर। 29 है कि विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? बताइए कौन सा वो नहीं है। 29 का आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? तो नहीं पूछा गया है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, ये आपका बिल्कुल ही गलत है। यानी कि विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से शिक्षण देना प्रभावशाली अधिगम का लक्षण ये नहीं माना जाता है, ठीक है। चलिए तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही गलत है और गलत आपसे पूछ रहा था। नेक्स्ट चलते हैं, हमका प्रश्न नंबर है 30। कह रहा है कि थोड़ा सा बैक हो गया था, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो प्रश्न कह रहा है आपको 30 नंबर, कह रहा है विकास के सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन गलत है? जी हाँ, फिर से यहाँ पर गलत कथन पूछा गया है विकास के सिद्धांत के बारे में, है ना। क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो विकास के सिद्धांत के बारे में जो ऑप्शन गलत है वो आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है। विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन संभव नहीं है, जबकि वृद्धि एक परिणात्मक प्रक्रिया है, इसका मापन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल गलत है, विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, ये आपका बिल्कुल ही गलत है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर। कह रहा है यहाँ पर देखिए दो फिल इन द ब्लैंक से इसको आपको भरना है, तो यहाँ पर क्या भराएगा दोस्तों? कह रहा है कि विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। 31 का आंसर हो जाएगा आपका वंशानुक्रम तथा पर्यावरण, यानी कि वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों तथा निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 32। कहलाए कि विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? बताइए विद्यालय और समाजीकरण के बारे में यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सत्य है? 32 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि विद्यालय जो है समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है, आंसर हो जाएगा बी। विद्यालय क्या है? तो समाजीकरण का पहला कारक कौन सा कथन सत्य पूछ रहा था, ठीक है। विद्यालय जो 32 नंबर है ना, ठीक है, विद्यालय जो है वो समाजीकरण का पहला कारक नहीं है, परंतु एक महत्वपूर्ण कारक अवश्य है। समाजीकरण का पहला कारक क्या होता है? तो वो परिवार होता है तथा आस पड़ोस होता है, ठीक है। विद्यालय जो होता है वो दूसरा कारक माना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर ए हो जाएगा, है ना, सॉरी बी नंबर हो जाएगा इसका, है ना, आंसर नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 33 नंबर का, रहा है कि जिन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य क्या है?
जी हाँ, जिन पियाजे के द्वारा संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है, तो इससे यही तात्पर्य है कि कुछ भौतिक गुण धर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। यानी कि जिन पियाजे के अनुसार संरक्षण से तात्पर्य केवल बाहरी बदलाव से है, जबकि भौतिक गुणधर्म पहले की तरह ही बने रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 34 नंबर, कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बताइए कौन सा यहाँ पर कथन सही है। बताइए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा कथन यहाँ पर सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। जैसे ही वाइगोत्स्की आए तो आप भाषा वाला ऑप्शन को चुन लीजिएगा, ठीक है। वाइगोत्स्की आवे तो भाषा वाला ऑप्शन को चुन लीजिएगा, यानी कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 35, कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग, जी हाँ लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है, और इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में दोस्तों आपको पूछ रहा है, नैतिक सिद्धांत की अनेक बातों की आलोचना करती है, और आलोचना के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ऑप्शन नीचे है और ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। यानी कि कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। जी हाँ, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। यानी कि कोहलबर्ग ने अपने नैतिक सिद्धांत का प्रयोग केवल पुरुषों के संदर्भ में किया, न कि किसी अन्य के संदर्भ में, है ना। तो ये पुरुषों के संदर्भ में किया था, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। जी हाँ, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, और यह कथन जो है किस चीज़ को इंगित कर रहा है, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, और ये जो इंगित कर रहा है वो है मानसिक विकास को, है ना। ये किसको इंगित कर रहा है, तो मानसिक विकास को, है ना। चलिए, तो यह कथन मानसिक विकास को दर्शाता है। संवेदना को मानसिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। हमारा जो आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जो हमारी जो पांच ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इसके द्वारा हमें कुछ भी अनुभूति होती है तो उसे ही संवेदना कहा जाता है, है ना। मानसिक विकास से तात्पर्य है कि बालकों की उन सभी मानसिक क्रियाओं, क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करता है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37 प्रश्न है कि मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर, जी हाँ मेरेडिथ महोदय आ गए, अब बताइए कि मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों में बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर जिनका ऊंचा होता है। जी हाँ, उन परिवारों के बालक होते हैं जिसका सामाजिक स्तर ऊंचा होता है। अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं, मतलब उन परिवार के बालक कैसे, मतलब कैसे होते हैं जिनके जो क्या होते हैं, तो जो सामाजिक रूप से ऊंचे होते हैं, मतलब कि वो बड़े खानदान के हो, है ना। तो उस परिवार के बालक किस प्रकार के होंगे, तो उस परिवार के बालक जो होंगे अधिक स्वस्थ होंगे और विकसित होंगे, है ना। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। यानी कि मेरेडिथ ने क्या कहे हैं कि जिन परिवारों के सामाजिक स्तर उच्च होते हैं, ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, उन परिवारों के बालक अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, है ना। व्यक्ति क्या है, है ना, मनुष्य क्या है, एक तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और इसलिए उन पर समाज का अधिक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, परंपरा, उच्च पारिवारिक स्थिति, रीति रिवाज, बहुत से तत्व है जो मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रभावित करता है। तो आंसर हो जाएगा हमें, आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, आपका प्रश्न नंबर है 38, कह रहा है कि कैटल द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपने वाला सवाल है ना, जितना इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न है आज यह लाया गया है। चलिए बताइए कि कैटल द्वारा विश्लेषण किए गए व्यक्तित्व गुण सीलों की संख्या, ये भी क्वेश्चन आप लोग को कई बार बताया गया है कि कैटल महोदय के द्वारा जो विश्लेषित किए गए व्यक्तित्व गुण सीलों की जो संख्या है वो संख्या आपको कितने हैं, तो 16 संख्या, है ना, आंसर याद रखिएगा 16। अगला प्रश्न है, चलते हैं आपका 39 कि मुर्रे ने, जी हाँ बताइए कि मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुर्रे ने एक परीक्षण किया और एक इतिहास रच दिया, वो कौन सा परीक्षण था। तो वो परीक्षण था दोस्तों विषय आत्मबोध परीक्षण, है ना, वो परीक्षण था विषय आत्मबोध परीक्षण। यानी कि आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी को कहते हैं TAT, है ना, TAT परीक्षण, है ना,
टी परीक्षण यानी कि विषय आत्मबोध परीक्षण, ये मुर्री के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर, कह रहा है कि परिवेश की वस्तु जिसे जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है ना, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं दोस्तों आपको प्रेरक। उसको क्या कहते हैं? प्रेरक, यानी कि परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है प्रेरक कहलाता है। इसमें बच्चे के घर का परिवेश, उसके पारिवारिक सदस्यों और स्कूल के संबंध आदि इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर, 41 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। जी हाँ, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग कौन सा है बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 41 का हो जाएगा दोस्तों उदारीकरण, है ना, उदारीकरण, यहाँ पर उदारीकरण होना चाहिए, है ना। तो इसका 41 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि तनाव से तात्पर्य जो है हमारा मन मस्तिष्क की उस हानिप्रद मनोवैज्ञानिक व्यवस्था से है जिसका परिणाम हमें शारीरिक और मानसिक अवस्था के रूप में भुगतना पड़ता है। उदातीकरण जो है तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है, उदातीकरण आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया, जी हाँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आपको पूछ सकता है ना। डिसलेक्सिया के बारे में बहुत बार आप लोगों को बता चुके हैं कि डिसलेक्सिया की विशेषता कौन सी नहीं है बताइए, डिसलेक्सिया में क्या होता है, डिसलेक्सिया में बच्चे को क्या होता है दोस्तों। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि वो सीधे व उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चित है। यहाँ गलत पूछ रहा था तो गलत हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि डिसलेक्सिया में होता है ना कि डिसलेक्सिया में बच्चे के पढ़ने लिखने से संबंधित होता है डिसलेक्सिया, एवं मानसिक विकार से होता है डिसलेक्सिया संबंधित। बच्चे इसमें क्या होते हैं ना कि उल्टा पढ़ लेते हैं ना, बच्चों को शब्दों को पहचानने में, उसको पढ़ने में, याद करने में, बोलने में क्या होता है तो परेशानी होता है, उसी को कहते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है। और भी बहुत सारा होता है, एक होता है डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया में होता है ना कि बच्चे को गणित में समस्या होता है, ठीक है। एक होता है डिसग्राफिया जिसमें बच्चे को लिखने में समस्या होता है। तो ये तीन चार जो है आपको बार बार आपको पूछा जाता है, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया, ये तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही गलत है और गलत आपको पूछ रहा था। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर, 43 कह रहा है कि सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। जी हाँ, सशक्त अभिप्रेरणा, तो इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, शीघ्र सीखता है या फिर प्रसन्न रहता है। 43 का हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, यानी कि इससे शीघ्र सीखता है। सशक्त अभिप्रेरणा से क्या होता है बच्चे तो बहुत जल्दी सीखते हैं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं हमका 44 नंबर, कह रहा है कि उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। जी हाँ, उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं दो प्रकार से, चार प्रकार से, छह प्रकार से या फिर तीन प्रकार से। 44 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दो प्रकार से, है ना। उपलब्धि परीक्षण दो प्रकार से दिया जा सकता है, है ना। छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन जो है वो सतत एवं व्यापक रूप से होते रहना चाहिए और इसके लिए कई विधियों को अपनाया जाता है, लेकिन जो ग्रेडिंग पद्धति का जो प्रयोग है इस कार्य हेतु सबसे बेहतर माना जाता है। ग्रेडिंग पद्धति यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर दो प्रकार से। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर, कह रहा है कि जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में अस्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को क्या कहते हैं, तो उस परीक्षा को कहा जाता है विश्वसनीयता, है ना। उस परीक्षा को कहते हैं विश्वसनीयता, यानी कि विश्वसनीयता जो है ये परीक्षा की एक मूल्यांकन प्रणाली है। इससे योग्यता के सही मूल्यांकन में अस्थायित्व होता है। परीक्षा के माध्यम से विश्वसनीयता द्वारा बालकों का मूल्यांकन किया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 46 नंबर, 46 नंबर प्रश्न है कि किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। जी हाँ, किसी भी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि सीखने की विश्वसनीयता, विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, है ना, ध्यान रखिएगा, है ना, कि शिक्षक की क्या भूमिका होती है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 47 नंबर, 47 है कि आकलन जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। जी हाँ, आकलन क्या है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। क्यों, है ना, ये क्यों अभिन्न अंग है, तो 47 का आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिए, फटाफट से करते चलिएगा, ठीक है। चलिए, तो 47 का हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी होती है, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर,
48 है कि भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संबंध में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? बताइए, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संबंध में किस कथन से आप सहमत हैं? तो 48 का क्या हो जाएगा बताइए? देखिए, इससे जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, यानी कि प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, देखिए, अगर आप लोग हमारे इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7857824310। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कीजिए और आपको वहां पर पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए 7857824310 पीडीएफ लेने के लिए। नोट्स भी आपको वहां मिल जाएगा, पीछे जो क्लास हो गया वो भी सारा चीज़ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको प्रक्रिया बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको सारा चीज़ मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 49 नंबर कि अधिगम असक्तता वाले। जी हाँ, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि अधिगम असक्तता वाले जो बच्चे होते हैं उसके बारे में आपको दिया गया है। कौन सा यहाँ पर कथन सही है बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? 49 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी कि बच्चों को, अधिगम असक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा ए नंबर। यानी कि कुछ छात्र जो हैं पढ़ने लिखने और मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने, गणित एवं तर्क शक्ति को समझने आदि में क्या होते हैं, असक्त होते हैं अथवा कमजोर होते हैं, जिसे अधिगम असक्तता कहा जाता है। ठीक है, तो अधिगम असक्तता समझ गए। और ऐसे बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में क्या होता है, तो भ्रम होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 50 नंबर। देखिए, जितना आप लोग को तैयारी करवाया जा रहा ना, हमें नहीं लगता कि कोई मतलब कि चैनल वाला इतना तैयारी करवाया रहा होगा। आप लोग भी देख रहे होंगे है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी तैयारी हो रही है ना, सबको समान अध्ययन। कल जो हम पढ़ाएंगे तो कल समान अध्ययन का क्लास चलेगा, आज डीएलएड का चल रहा है, करेंट अफेयर का आप लोग को करवाया जा चुका है, पूरा बिहार आप लोग को निचोड़ दिए हैं हम, है ना। बिहार वाला आप जरूर देख लीजिएगा, है ना, वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। डेट बढ़ गया, आराम से उसको एक बार, दो बार, तीन बार रिविजन कर लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर इतना कैसे याद होगा, तब देखिए आपका डेट बढ़ गया, आप याद कर लीजिए उसको। ठीक है, वहाँ से पूरा याद हो जाएगा। आप पीडीएफ के माध्यम से याद कर लीजिए, पीडीएफ आप लोग लेने के लिए आपको नंबर बता दिए हैं, उस नंबर में मैसेज करके आप पीडीएफ ले लीजिए, वहाँ से आप आराम से उसको याद कर लीजिए। चलिए, हम लोग 70 तक लगाने वाले हैं। 50वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। जी हाँ, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना, ये क्या सहायता करता है, क्या कहता है? तो 50 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी, यानी कि शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। यानी कि कक्षा कक्ष प्रक्रिया के दौरान ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करने से शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। तो इसीलिए जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला है आपका 51 नंबर, कह रहा है कि क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें अनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पुनरावृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, छपने वाला प्रश्न है, बताइए 51 का आंसर क्या होगा। यानी कि प्रश्न में दिए गए कथन का संबंध जो है प्रकृति और पोषण पर बहस से है ना, कि आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना, प्रकृति और पोषण पर बहस यहाँ पर हो रहा है, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 52 नंबर, कह रहा है कि प्रगतिवादी शिक्षा, है ना, प्रगतिवादी शिक्षा के बारे में आपको ऑप्शन में दिया गया है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है? देखिए, प्रगतिवादी शिक्षा जो है इसमें बालकों में समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन के विकास पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा में मतलब कि समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल दिया जाता है, जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो जाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल दिया जाना, इसी को कहते हैं प्रगतिवादी शिक्षा, है ना, इसी को क्या कहते हैं, प्रगतिवादी शिक्षा, या फिर प्रगतिशील शिक्षा भी कह सकता है ना, एक ही नाम को मतलब कि बहुत सारे नामों से यहाँ पर लिख दिया जाता है, तो मतलब कि लगता है कि ये क्वेश्चन बदल गया, है ना। चलिए कोई बात नहीं है,
बनाते बनाते धीरे 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 वो सारा चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बस रेगुलर हमसे बने रहिए, है ना। डेली जो क्लास होती है 9 बजे से, उसको आप लोग जरूर कीजिएगा। अभी तक जितना क्लास देखिए 61 नंबर क्लास चल रहा है ना, लगभग 2.5 से 3 महीने से आप सभी की क्लास चल रही है और पूरी निरंतर क्लास चल रही है, है ना। मंडे टू सैटरडे आप लोग को रेगुलर क्लास चल रही है। बहुत कम ही दिन ऐसा होगा जो हम क्लास नागा किए होंगे, है ना। 1-2 दिन बीच बीच में कभी कभी नागा हुआ था, ऐसे आप सभी की क्लास बिल्कुल निरंतर चल रही है और ऐसा ही चलते रहेगी जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, है ना। चाहे डेट जितना बढ़ जाए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना जितना बढ़े उससे आपको फर्क नहीं है, आप जितना पेमेंट किए हैं उसी में आपका सब दिन क्लास होते रहेगा, ठीक है। चलिए 53 प्रश्न क्या कह रहा है ये देख लीजिए। 53 प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न को प्रश्न जो है वो किसको बढ़ावा देता है, ठीक है। प्रोत्साहित करने वाले जो प्रश्न है ये किसको बढ़ावा देता है, 53 का हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी, यानी कि विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। देखिए शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न बालकों में विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ रहा है। जी हाँ, विकास और अधिगम को कौन सा जो ऑप्शन है वो सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ रहा है। 54 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, यानी कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से क्या होते हैं, तो अंतः संबंधित होते हैं। यानी कि बालकों का विकास अधिगम, बालकों का विकास एवं अधिगम क्या है, तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है, है ना। ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है जिसके साथ बालकों में उन सिद्धांतों का भी विकास होता है जो बच्चे के प्राकृतिक सामाजिक दुनिया के बारे में बताते हैं, और इस प्रकार अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित होते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला सवाल है आपका 55 नंबर। देखिए थोड़ा सा समय लगेगा, हमारे चैनल पर आप पढ़िएगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, है ना। जब तक लंबा नहीं होगा तब तक कैसे समझिएगा, एक क्लास में अगर आप ऑफलाइन भी क्लास कीजिएगा तो लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास चलती है, ठीक है। तो आप मान के चलिए ये ऑफलाइन क्लास है, है ना। आप इसको लैपटॉप में, मोबाइल में, किसी भी रूप में आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कथन का सर्वाधिक उपयुक्त है। जी हाँ, बताइए कौन सा, यहाँ पर बुद्धि के बारे में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है, बुद्धि के बारे में। ध्यान रखिएगा, बुद्धि के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, है ना। आपको पहले बताए होंगे कि बहुबुद्धि जो सिद्धांत दिया गया है वो गार्डनर महोदय के द्वारा दिया गया है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही सही है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि गार्डनर के अनुसार, यानी कि गार्डनर महोदय ने ही बताया था बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, तो गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप जो है वो एकांकी ना होकर के बहुआयामी होता है जिसमें कई पहलू निहित होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर महोदय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 56 नंबर। प्रश्न है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण। देखिए इस प्रकार का प्रश्न हमने ऊपर देखा था कि मतलब कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान, है ना, किसी चीज़ पर चर्चा हो रहा है, उसमें जो शिक्षक है वो लड़की पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, इसका मतलब कि किसका उदाहरण है। तो इसको कहा जाएगा दोस्तों आपका जेंडर पक्षपात, है ना। इसको क्या कहेंगे, जेंडर पक्षपात, यानी कि जेंडरों में क्या हो रहा है, यहाँ पर पक्षपात हो रहा है, लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लड़कियों पर कम ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा नहीं करना है, हमें दोनों पर समान रूप से ध्यान देना है, ठीक है। यानी कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान यदि एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है तो यह जेंडर पक्षपात कहलाता है, और जेंडर पक्षपात के अंतर्गत प्रायः महिलाओं को कमजोर वर्ग के अंदर सम्मिलित कर दिया जाता है। तो यह गलत बात है ना, ऐसी नहीं करना चाहिए, है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 57 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। जी हाँ, तो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा गया है, तो 57 का हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। जी हाँ, लेव वाइगोत्स्की महोदय ने ही बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया है। लेव वाइगोत्स्की, यानी कि आंसर नंबर बी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 58 नंबर।
58 कह रहा है कि जिग्सा, है ना, जिग्सा पहेली को करते समय, जी हाँ, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह का संबोधित करते हैं? देखिए, बहुत जो बच्चे होते हैं ना, आपस में बात करते रहते हैं ना, आपस में कुछ बनाते रहेंगे या खेलते रहेंगे या फिर कुछ पढ़ते रहेंगे या फिर कुछ करते रहेंगे, तो आपस में वो बात करते रहते हैं, ठीक है। तो वाइगोत्स्की महोदय ने किस प्रकार, मतलब इसको संबोधित किए हैं? 58 का आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता इसको कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? लियो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच एवं व्यवहार में निरंतर बदलाव लाती है, जो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्न होता है। उसके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है, और इस सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञान में अनेक तत्व आते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत वार्ता या चर्चा, जिसमें बच्चे स्वयं से चर्चा करके किसी तर्क को निर्धारित करते हैं, और नजमा द्वारा कहा गया कथन व्यक्तिगत वार्ता को संबोधित करता है। जी हाँ, तो इस आंसर क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिगत वार्ता, है ना। चलिए, वाइगोत्स्की के द्वारा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 59 नंबर प्रश्न है कि बच्चों को संकेत देना, जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना किसका उदाहरण है? बताइए ये किसका उदाहरण है? बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, ये किसका उदाहरण है? सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक बार से लाइक कर दीजिएगा सभी लोग एक तरफ से, है ना। और देखिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पता नहीं उनको क्या दिक्कत है, है ना। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है मेरे भाई, है ना, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो लाल बटन है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वो ब्लैक हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपको डेली 9 बजे से निरंतर क्लास मिलते रहेगी। 59 का आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ढांचा। इसको पाड़ कहा जाता है, यानी कि ढांचा कहा जाता है, ठीक है। चलिए, बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, इसको ढांचा कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 60, यानी कि 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? जी हाँ, फिर से आ गया, बुद्धि के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहा। 60 का आंसर क्या होगा? जी हाँ, देखिए 60 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर डी, यानी कि बुद्धि क्या है? तो बुद्धि एक बहुआयामी है, अभी आपको बताए थे, तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है, ठीक है। सामान्यतः जो बुद्धि शब्द का प्रयोग या फिर ज्ञान, प्रतिभा, प्रज्ञा, समझ आदि के अर्थों में होता है, है ना, बुद्धि का प्रयोग, ठीक है। बुद्धि द्वारा ही हम अपनी विविध समस्याओं का समाधान निकालते हैं, है ना। आपके जितना अपनी बुद्धि के द्वारा ही तो आप समस्या का समाधान निकालते हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, मैथ बना रहे हैं, रीजनिंग बना रहे हैं, है ना। चलिए, और केली एवं थ्रस्टन नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया कि बुद्धि का निर्माण जो है दोस्तों, ये प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है, और बुद्धि प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह होता है, तथा विविध प्रकार की बौद्धिक योग्यता यह प्रमाणित करता है कि बुद्धि का बहुआयामी होना निश्चित तौर पर संभव है। इसी कारण कई लोग अनेक योग्यताओं में दक्ष होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 61 नंबर। 61 कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जी हाँ, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा, है ना, जो बच्चे क्या हैं तो वंचित है, विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को करना चाहिए कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए, तथा बच्चों को सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए, यानी कि आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं आपका 62 नंबर प्रश्न है कि एक समावेशी कक्षा, जी हाँ, फिर से आ गया समावेशी कक्षा, और समावेशी कक्षा के बारे में, समावेशी शिक्षा के बारे में आपको एक प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछेगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को किस, मतलब कि कैसा होना चाहिए, ना, एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन दिया गया है, जवाब दीजिए। 62 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि मतलब कि एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, यानी कि आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। कभी कभी गलत है, ये भी गलत है, ये भी आपका गलत है, आंसर हो जाएगा सी नंबर।
नेक्स्ट चलते हैं, आपका 63 नंबर कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। जी हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है ना, जो शिक्षा किस पर केंद्रित होना चाहिए, तो बालक पर केंद्रित होना चाहिए। केंद्रीय बिंदु में कौन रहेगा, तो बालक रहेगा, है ना। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, तो इसकी जो विशेषता है दोस्तों, यानी कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में हमेशा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता दी जाती है। आधुनिक शिक्षा पद्धति में बालक को केंद्र में रख करके शिक्षा की योजना बनाई जाती है तथा उसके सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है, और इस तरह के विकास में बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सभी पक्ष उसमें शामिल होते हैं। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं, है ना, कौन सी वो प्रथाएं हैं जो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। जी हाँ, बताइए कौन सा प्रथाएं हैं जो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रहा। तो ऑप्शन दिया गया है शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुल्यात्मक मूल्यांकन। कौन सा यहाँ पर बढ़ावा दे रहा है दोस्तों सार्थक अधिगम को। 64 का आंसर क्या होगा बताइए। 64 का हो जाएगा आपका सहयोगात्मक। शारीरिक दंड कभी बढ़ावा दे सकता है, तो ऑप्शन एक नंबर तो ऐसा ही गलत हो गया। दूसरा नंबर दिया गया है कि सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ये आपका बिल्कुल सही है। और तीन नंबर है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी आपका बिल्कुल सही है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, ये आपका गलत है, है ना। दो और तीन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा 64 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 65। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं आप सभी भाई बहनों से एक थोड़ा सा आपसे विनम्र निवेदन है, और क्या है, है ना। आप लोग कीजिएगा तो भी अच्छा, नहीं कीजिएगा तो भी अच्छा। मेरा तो काम है पढ़ाना, हम तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, है ना। आप नहीं कीजिएगा फिर भी पढ़ाएंगे, नहीं कीजिएगा तो भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कम से कम आप लोग फ्री सेवा ले रहे हैं, तो कम से कम थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर नहीं वाला प्रश्न है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। 65 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि जो विकास है वो सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से इसे प्रभावित करता है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर हो जाएगा। देखिए, विकास का संबंध जो है वो परिवर्तन से होता है। विकास में व्यक्ति के मानसिक एवं सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक दृष्टि से होने वाली परिवर्तन इसमें सम्मिलित किया जाता है। विकास जो है वो जीवन पर्यंत होता है, ऐसा नहीं कि शैशवावस्था के बाद विकास नहीं होगा। विकास हमेशा चलते रहता है, शैशवावस्था के बाद, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, है ना, अपनी किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, ये हमेशा निरंतर चलते रहता है, ठीक है। चलिए, आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर। 66 कह रहा है दोस्तों कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या होता है। जी हाँ, लेव वाइगोत्स्की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 66 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि एक सामाजिक गतिविधि, है ना। ये क्या है, अधिगम क्या है, तो ये एक सामाजिक गतिविधि है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला चलते हैं आपका 67 नंबर, कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार। जी हाँ, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीन पियाजे से जितना भी सवाल आता है, वाइगोत्स्की है, जीन पियाजे है, गार्डनर महोदय है, क्रो एंड क्रो है, है ना, आपको कैटल महोदय है, तो जितने भी आते हैं ना ये सब मनोवैज्ञानिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपको पूछेगा। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या होते हैं, बच्चे के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो 67 का हो जाएगा आपका बी नंबर दोस्तों, यानी कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं। जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला चलते हैं आपका 68 नंबर, कह रहा है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम कहां से कहां तक होता है दोस्तों। तो 68 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अपरिष्कृत, यानी कि स्थूल चालक विकास और परिष्कृत चालक विकास, यानी कि आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी नंबर, ठीक है। अपरिष्कृत चालक विकास और पुरस्कृत चालक विकास, परिष्कृत पुरस्कृत नहीं, परिष्कृत यानी कि सूक्ष्म चालक विकास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 69, कह रहा है कि वह अवधि जो व्यस्कता के संक्रमण की पहल करती है। जी हाँ, वह अवधि जो व्यस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। 69 का आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग। 69 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि उसे कहते हैं किशोरावस्था, यानी कि वह अवधि जो व्यस्कता के संक्रमण के पहल करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 17 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक या बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं उसे क्या कहते हैं।
तो 70 का आंसर हो जाएगा उन्हें शामिल कर उनका संचय करना, है ना। चलिए, यानी कि उन बच्चों का संज्ञानात्मक विकास विद्यालय बेहतर होता है जिनके माता पिता उनके स्कूली शिक्षा में शामिल होते हैं, ठीक है। क्योंकि प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्रारंभिक कक्षा कक्ष की अवस्था में बच्चे अपने परिवेश में जो कुछ भी देखते हैं या सुनते हैं उसके बारे में वह अपने माता पिता या शिक्षक से पूछते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। अतः एक बालक या बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या फिर लाती है उन्हें शामिल कर उसका संचय करता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 71 प्रश्न कह रहा है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, है ना। प्रश्न को दो बार जरूर पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा। ये कह रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार ये नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा ये बच्चा, तो ऑप्शन दिया गया है 4, तो 71 का हो जाएगा, यानी कि दंड एवं आज्ञा पालक अभिविन्यास के अंतर्गत ये आएगा, ये कोहल वर्ग के अनुसार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर है 72 प्रश्न है कि जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं ना, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेओ वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो बच्चे स्वयं से बातें करते हैं, संवाद करते हैं, लेओ वाइगोत्स्की उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है व्यक्तिगत वार्ता, है ना। अपने खुद से बात करना तो उसको कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 73 प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर भरना है। कह रहा है कि यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, उसको क्या कहेंगे? तो उसको समावेशी शिक्षा कहेंगे, है ना। समावेशी शिक्षा में क्या होता है? समावेशी शिक्षा की अवधारणा उस विचारधारा से प्रेरित है जिसमें सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। चलिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रहा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 74 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है? जी हाँ, जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, तो कौन सा अधिगम की मुख्य प्रक्रिया यहाँ पर नहीं है? 74 का हो जाएगा कंठस्थीकरण एवं स्मरण, ये जो है ये मुख्य प्रक्रिया नहीं है अधिगम का आपका। देख, कंठस्थीकरण एवं स्मरण जो है ये अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, जबकि अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश, संचालन अधिगम की मुख्य प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा B। और आज का लास्ट प्रश्न देख रहे हैं हम लोग, और आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उसकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या होते हैं? जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उसकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, उस समय विद्यार्थी दोस्तों सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। यानी कि शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करे, है ना। हमेशा शिक्षक को क्या चाहिए कि बच्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो बच्चा थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं उसको भी हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक विद्यार्थियों को कई तरीके से प्रोत्साहित कर सकते हैं, है ना। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उसकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब बच्चों में सीखने की इच्छा तीव्र हो जाती है और भी अधिक सीखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर B हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का 75 प्रश्न। आप लोग को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसका आंसर आपको दिया गया है, इसको आप लोग टेस्ट के रूप में एक बार जरूर दे लीजिएगा, ठीक है। तब आप लोग को पूरा याद हो जाएगा। इसका PDF लेने के लिए आपको क्या करना है, तो ये जो नंबर देख रहे हैं 7857824310, जो लोग अभी तक नहीं लिए हैं तो वो लोग इस पे 351 का एक बार आपको पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। 351 का आपको चार्ज देना पड़ेगा, मात्र 351 एक सहयोग राशि आपसे लिया जा रहा है ताकि आप सभी की जो क्लास है वो निरंतर इसी प्रकार से चलते रहे, ताकि आपकी तैयारी पूर्ण होते रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेली आपको PDF मिल जाएगा, इसका पीछे वाला आपको सारा PDF मिल जाएगा, जितना भी क्लास हो गया है हिंदी नहीं आपका DLED का, समान अध्ययन का, आपको रीजनिंग का, आपको करेंट अफेयर का, है ना, सारा वीडियो मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, सब चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और डेली 9 से क्लास भी आपको मिलेगी। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम हमारा जो ग्रुप का नाम है करियर परिवार, तो आप करियर परिवार सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। उसमें लगभग अभी 2500 लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है।
चलिए आप लोग जो पेमेंट करिएगा, जो लोग हमसे जुड़िएगा, तो 351 का जो पेमेंट करिएगा दोस्तों, तो गूगल पे के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर पे फोन, या फिर पेटीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, अमेजन पे भी आप इस नंबर पे करके आप इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, वहाँ पर आपको जोड़ दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, और आज 61 नंबर टेस्ट आप लोग का कंप्लीट हो गया। अगले दिन हम लोग देखेंगे फिर से नया टेस्ट, और कल हम लोग देखेंगे दोस्तों समान अध्ययन 75 प्रश्न, है ना, समान अध्ययन 75 प्रश्न हम कल देखेंगे। तो कल 9 बजे से आप लोग जरूर से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर।